सो गाइस वेलकम, जो है पार्ट टू व्लॉग। आपने पार्ट वन देख चुके होंगे। यहाँ पे होने वाली है फिर से गाड़ी की रिव्यूज, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले जो ड्रिफ्टिंग हुई है वो जाके देख ली। टाइम स्टैम्प लेके जाना पड़ता है वरना आपको अलाउ नहीं करेंगे। अभी हम बाहर आ गए, चलते हैं और देखते हैं ड्रिफ्टिंग यहाँ पर। जल्दी चलते हैं और अपना जगह पकड़ते हैं क्योंकि अब आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं इधर से और You are up front and center of seeing some drifting courtesy of Travis Reeder and Chelsea Denofa. Make some noise. Who's seen drifting before? Make some noise. Hey, we are ready to stand here at St. Louis Auto Show. Travis Reeder, the fun. कि आपने ड्रिफ्टिंग देख चुके हो, आप देखा दे आपको जो ड्रिफ्टिंग की कार्स होती है वो कैसी दिखती है। तो ये रही रेसवे, रही कुछ कार्स जो आपको अच्छे से दिखाते हैं क्या ही लग रही है गाड़ियाँ। ये देखो, ये है एक रेसिंग सेगमेंट की गाड़ी जो ड्रिफ्टिंग के लिए यूज होती है और प्लस रेसिंग के लिए यूज होती है। सो गाइस ये जैसे कि आप देख सकते हो फुल ड्रिफ्टिंग की गाड़ियाँ। और ये देखो भावना से बात, अभी गाड़ियाँ देखने में बिजी है। और कैसी लगी ड्रिफ्टिंग? बहुत मजा आया देख के। ऐसे तो पहले गुस्सा आता था जो हम अपने विंडो के नीचे से देखते थे लोग ड्रिफ्टिंग करते हुए, बहुत परेशान करते थे, लेकिन लोगों को देखकर गुस्सा आता है, बट ये प्रोफेशनल्स होते हैं तो ये अंडर ट्रेन होते हैं। अमेजिंगली इन्होंने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक इट। ये रही गाड़ी आरे। सो गाइस ये देखो जो हमने ड्रिफ्ट की कार देखी, ये कार आप जैसे कि देख सकते हो ये इसका इंजन है। और भाई रेडिएटर देखो क्या बनाया गया है, फुल एकदम हवे के साथ जिसमें आपको इंजन में गर्म हवा नहीं जाएगा। इंजन इसके भावना को देखो, देखती बैठ रही गाड़ी को। अब उसे गाड़ी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। फुल प्रोटेक्टेड कार है तो ये ऑब्वियसली रेसिंग की कार है, तो ये सिंगल सीट है और अंदर फुल प्रोटेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे बटन हैं, ऑब्वियसली इसमें रेस मोड्स वगैरह होते रहेंगे। नाइस, ओवरऑल अ गुड कार, मतलब रेसिंग के लिए बहुत सही है। कैसा था ड्रिफ्टिंग? फुल पावरफुल एकदम, मजा आ गया। और ये देखो ड्रिफ्टिंग की गाड़ी, आप इसे देख के और मजा आ रहा है। मजा आ गया, फुल पैसा वसूल। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रिफ्टिंग का वीडियो कैसा लगा और ये सारी ड्रिफ्टिंग की कार्स कैसी लगी। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। ये जा रही है भावना टेस्ला में बैठने। ये देखो क्या अच्छा लगा मुझे इसका। चलो चलो पुश करना पड़ता है ना। और ये देखो भाई साहब, ऐसे लग रहा है ये लोग थोड़े टाइम पे हेलीकॉप्टर या प्लेन ही बना देंगे गाड़ियों का। तो नहीं, गाड़ियां ही उड़ने लगेंगी। गाड़ियां उड़ने लगी इससे तो क्या बनाया देखो, जेट एकदम। कुछ भी हो जाए, कैसे भी कार हो जाए, लेकिन कोई टार्जन द वंडर कार को बीट नहीं कर सकती। या टार्जन टार्जन है गाइस। अभी जो देखोगे आप वो अपने रेसिंग कार देख ली है, अभी देखो गो कार्टिंग की कार्स जो एकदम छोटी। मैं हमेशा करती हूँ भावना को कार चलाने बोलेगा तो उसे उसको गो कार्टिंग आता है, जो महाबलेश्वर में किया करती थी ज्यादा करके। गो कार्टिंग करते थे सीआरडी में, गो कार्टिंग। और अभी रेसिंग सेगमेंट भी हो गया, और बताना ड्रिफ्टिंग कैसे लगी। और मुझे तो बहुत पावरफुल लगी एकदम। और अभी हम चलते हैं शेवरलेट में, और शेवरलेट की सारी एसयूवीज खड़ी सबसे।
सिंगम चेरीवली चेरीवली। सो अब हम आए शेवले के न्यूज सेगमेंट में जहाँ पर आप देख सकते हो 2023 सब अर्बन आरएसटी ये काफी ह्यूज है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ये कुछ 66,000 डॉलर्स की है। स्टेयरिंग बहुत पतला, इतने बड़ी गाड़ी का ना इतना पतला सा स्टेयरिंग अच्छा नहीं अच्छा लगता, नहीं लगता है। थोड़ा हैवी बना था तो और अच्छा लगता था। अच्छे खासे है, सनरूफ अच्छा लगता है। I like this color. Color is good, yeah. Oh, 7-seater plus itna boot space hai. Wow. That's good. Aur ye color bhi bahut acha laga. Wow, ye ekdam sahi color hai. Itna bada mirror. Mohit ke face se bhi bada mirror hai ye. Isme lights hai. Check out kar lo. Oh. Main open karunga. Ha. Wo welcome karega. Oh. आराम से बैठ। दूसरी गाड़ी मुझे अच्छी लगी है, ये वाली नहीं, ये वाली। और अभी हम आए हैं मेरे फेवरेट ब्रांड में जो है ये वाली। मोहित कर रहा है पूरी रिव्यू कार की। व्हाट? ये कार ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। वाह, बट ये टूटी नहीं है। हाँ, ये स्लाइड होती है। ओके, तो जैसे साइड मिरर स्लाइड होता है ये भी खुल सकती है और बंद हो सकती है। nice. ये सब गाड़ी इंडिया में क्यों नहीं है वो मिस कर दो। और ये देखो टोयोटा। सो गाइस ये देखो टोयोटा की आगे से, अब आप देखकर बोल रहे होगे कि भाई तू ये लैंड क्रूजर दिखा रहा है, बट ये लैंड क्रूजर नहीं है, ये है अमेरिका में टोयोटा की कार जो है टोयोटा सिक्वेरा। पता नहीं इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करते, सिक्यूआ सिक्यूआ जो भी नाम है इसका। गाड़ी देख लो, गाड़ी एक नंबर है। मैंने टोयोटा में इतने अच्छे इंटीरियर्स, हैंडल, स्टेयरिंग देखो और कॉकपिट देखो इसका, भाई ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम टोयोटा में देखा है कि इतनी बड़ी स्क्रीन है। और गियर नॉब देख लो, और ये देखो आर्म रेस्ट रखने के लिए। और अंदर बैठ के देखते हैं इसके, देखो भाई साहब ये है 7-seater कॉन्सेप्ट में। टोयोटा जो इंडिया में नहीं देती है वो है ये, यहाँ पे सब कुछ मिलता है भाई। और भाई साहब स्टेयरिंग भी बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे, देखो ये ग्रिप अच्छा लगा ये स्टेयरिंग का। बाकी कोई होती है जो बड़ी गाड़ी होती है और उसकी स्टेयरिंग छोड़ती है, बट टोयोटा एकदम सब कुछ एकदम डिसेंट देती है। अच्छी लाइट्स मुझे ये टोयोटा के ऊपर, ये जो 3 ऑरेंज एम्बर्स लाइट होते हैं वो, प्लस इसके नीचे एक एलईडी लाइट दी गई है जो छुपी हुई है। और ये रहा कैमरा जो कि बहुत पावरफुल लग रहा है। और गाड़ी की हाइट भी बहुत अच्छी है, हाइट के साथ साथ गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मैकव्हील देख सकते हो आप इसके, मैकव्हील के साथ बूट स्पेस देख लो। बूट स्पेस तो भाई भर भर के दिया है टोयोटा ने इसमें। 4-seater है प्लस ये 2 seat है जो ओपन होता है। सो गाइस हमने वो फोर्ड की अपने गाड़ी देख ली, यहाँ पे AMG देख ली, मर्सिडीज की ये है मैक्लेरन, वहाँ पे है मस्टैंग अगेन, और ये रही यहाँ पर फरारी, रही पोर्शे, और ये रही बेंटली, ये रही अपनी फेवरेट एस्टन मार्टिन, और मुझे सबसे अच्छी लग रही है ये मस्टैंग। ये लग रही है गाड़ी फुल एकदम पावरफुल लग रही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे फुल ब्लू इन कलर। ये है लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन, और ये रही मस्टैंग कुछ पीछे से। तो मैंने गाड़ी का सेक्शन देख लिया, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो इधर आ गया। तो ये देखो भाई ये सब एडवेंचर बाइक्स, और प्लस ये रही अपनी एडवेंचर बाइक इधर, और ये बच्चे लोग की भी है, और ये रही मोटरसाइकिल जो हार्ली की है, निंजा भी दिख रही है, इंडियन दिख रही है। ओ माय गॉड ये देखो इंडिया की एक बाइक दिख रही है मुझे यहाँ पे, नवी होंडा नवी, एडवेंचर कार से जो आप डर्ट में लेके जा के एकदम खेल सकते हो। हमारी जो फेवरेट है वो फिर से यहाँ पर आ गई है, जीप रूबिकॉन जीप बिल्ली आ गई है, बिल्ली 1947 की बिल्ली है, आर्मी वाले यूज़ करते थे इसको। ये देखो स्पोर्ट्स कार, अमेरिका की बहुत फेमस कार है, और मैंने बहुत लोगों के पास देखी, ये है कॉरवेट,
ये देखो इसका ग्राफिक क्या किया है। ये गाड़ी लोग इसलिए लेते हैं अगर कभी अमेरिका में फायरिंग होगी ना तो अपना बोनट ऊपर कर दो, आगे से गोली नहीं आएगी। अभी हम आए हैं होंडा में, ये देखो इसके DRL स्लाइड अच्छे हैं, फ्लैट सरफेस अच्छा है इसका आगे। तो गाइस ये रही होंडा की कुछ कार्स। ओ होंडा में भी पिकअप ट्रक है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ऐसे होंडा में कुछ है नहीं, सब फैमिली कार्स है। निसान में वाओ, ये ऑलिव ग्रीन कलर ही अच्छा लग रहा है सिर्फ। कार में कुछ अलग ही लग रहा है, पर ये इंडिया में मिलता नहीं है जल्दी ऑलिव ग्रीन कलर। और ये निसान की टाइटन है, मड कलर, डेजर्ट स्टॉर्म। और ये कुछ निसान की गाड़ी है। अभी हम होंडा कंप्लीट करके सुबारू में हैं। ये पता नहीं इसके नाम कैसे लेते हैं ये लोग, बट ये सब भी इनकी ठीक ठाक कार्स है। ये शायद ईवी है इनकी, अच्छे खासे कलेक्शन है इनके पास भी। मुझे सबसे अच्छी कार तुम्हारे लिए, मैं गिफ्ट लेने, ये मुझे बहुत अच्छी कार लगी है। मेरे को ये भी चलेगा, ये इंडिया की मारुति 800 है, देखो एकदम मस्त छोटी सी। सो गाइस ये हमने पूरा कार शो कंप्लीट कर लिया है और हम पूरा हर एक गाड़ी देखे हैं, अच्छा लगा देखकर। हम भी जल्दी गाड़ी लेंगे कहीं पर कभी तो, लेकिन बताएंगे ज़रूर आपको जब हमारे पास भी एक कोई गाड़ी होगी, इनमें से होगी कोई। गेस करना कौन सी लेंगे और कमेंट में बताना कौन सी लेना चाहिए। फिर अब बाहर जाते हैं कुछ खाते पीते और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Just remember when you come on the show.